भोपाल में स्थित IAS विश्वविद्यालय में नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित दो दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के अंत में शनिवार को एक प्रेरणादायक पुरस्कार समारोह हुआ। केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने विजेताओं को सम्मानित किया, जिसमें भाषण, पेंटिंग, कविता, सांस्कृतिक नृत्य और फोटोग्राफी जैसे क्षेत्रों में प्रतिभाएं प्रदर्शित की गई। नेहरू युवा केंद्र के राज्य निदेशक सुरेंद्र शुक्ला ने बताया कि दो दिवसीय युवा महोत्सव में प्रदेश भर के 700 से अधिक युवाओं ने भाग लिया था। विभिन्न कैटेगरीज में श्रेष्ठ प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें भाषण, पेंटिंग, कविता, सांस्कृतिक नृत्य और फोटोग्राफी शामिल थे। उपस्थित लोगों को मंत्री कुलस्ते ने युवा विशेषज्ञ और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के विकास की सराहना करते हुए भारत की विश्व मंच पर बढ़ती हुई स्थिति को उजागर किया। मंत्री कुलस्ते ने युवाओं से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दृष्टिकोणित एक विकसित भारत के सपने को अपनाने की प्रेरणा देने के लिए कहा। उन्होंने नेहरू युवा केंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया और युवाओं से 2047 तक भारत के विकास में योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध रहने की बात की। मंत्री ने उज्जवल भविष्य की दिशा में हो रहे तेजी से आर्थिक परिवर्तन को बताया और वर्तमान परिस्थितियों में वोकल फॉर लोकल का महत्व बढ़ रहा है, इस पर चर्चा की। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, क्या मुख्य आयोजन है, इसमें क्या क्या प्रोग्राम है? देखिए, ये भारत सरकार नेहरू युवा केंद्र का ये प्रथम राज्य उत्सव है। ये पहली बार इसका प्रयोग किया जा रहा है और हमारे माननीय मंत्री अनुराग ठाकुर साहब का ये कार्यक्रम तय किया था मोदी जी के निर्देश पर, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र को उन युवाओं और उन कलाकारों को, उन प्रतिभाओं को मौका मिला है जो अभी तक आमतौर पर किसी भी कॉम्पिटिशन में नहीं आते हैं। और आज भोपाल में हम लोग इसका फाइनल करने जा रहे हैं, जिसमें केंद्रीय इस्पात मंत्री माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी इसका समापन करेंगे और इसकी पूरी प्रतियोगिताओं का पुरस्कार वितरण यहां IES यूनिवर्सिटी में हो रहा है। पुरस्कार वितरण की क्या श्रेणी रखी गई है? इसके लिए जजेज हैं, जो जिसकी कैटेगरी बनाई गई है उसमें फोक डांस है और भाषण प्रतियोगिता है, पेंटिंग प्रतियोगिता है, वीडियो फोटोग्राफी है और साथ में इनका जो कॉम्पिटिशन दो दिन से चल रहा था उसके आधार पर इसमें जजेज हैं, जो वो बड़े रेनॉल्ड पर्सनैलिटी के जज हैं, उन्होंने निर्णय लिया है और उसके आधार पर ही निर्णय के आधार पर पुरस्कार वितरण। बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिलता है ऐसे प्रोग्रामों से, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो ये चाहूँगा कि ये कार्यक्रम बिल्कुल होने निरंतर होना चाहिए और बहुत अच्छी परंपरा डली है इस कार्यक्रम की और सरकार को चाहिए कि इसे निरंतर करते रहे और नेहरू युवा केंद्र को इस मेजबानी के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ भारत सरकार का, उन्होंने नेहरू युवा केंद्र संगठन को यह अवसर दिया है। और कहाँ कहाँ संचालित हो रहा है? नहीं, सारे जिलों में जिले स्तर पर हुआ था, इसके बाद भोपाल में राजधानी में राज्य स्तर का हुआ है। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को समझें और रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, भगवान बिरसा मुंडा, शंकर साय और रघुनाथ साय जैसे नायकों से प्रेरणा लें। यह घटना युवाओं में राष्ट्रीय गर्व और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करती है, जिससे उन्हें राष्ट्र के विकास और प्रगति में सक्रिय योगदान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। भोपाल से हमारे रिपोर्टर आशीष द्विवेदी की रिपोर्ट। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ।